जी कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे जो राम राम लिखते हो, जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से एग्नाइट फील होता है। गाइस आज की बात करें तो आज की वीडियो में हम आपको निसान मैगनाइट फेसलिफ्ट 2024 की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स बताने वाले हैं, जिसमें आपको गाड़ी के लुक्स भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आने वाले वो भी मिलेंगे, एंड इंटीरियर जो है उसको भी हम लोगों ने डिकोड कर लिया है। तो फटाफट शहर का नाम लिख के बता दीजिए कौन से शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और जी हाँ, हम लोग जो है गुड़गांव से इस वीडियो को आप लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। आप शहर का नाम बताते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बात करते हैं निसान मैगनाइट फेसलिफ्ट की। तो ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल में रहने वाली है, जहाँ पे मैंने जो जो चीज़ें चेंजेस हुई हैं वो सारे के सारे हाईलाइट करे हैं। तो आपको बस वीडियो को एंड तक देखते रहना है। अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अभी वाली निसान मैगनाइट फेसलिफ्ट पर अच्छा खासा कंपनी डिस्काउंट दे रही है, तो आप वो ले सकते हैं, या आप लोगों को नई वाली निसान मैगनाइट फेसलिफ्ट 2024 पे अपग्रेड करना जरूरी बनता है या नहीं बनता है। 5 अक्टूबर से इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो रही है। कंपनी कहती है कि हम लोगों ने 55+ ऐसे सेगमेंट फीचर्स दिए हैं, 20+ फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स दिए हैं, कुछ बेस्ट इन सेगमेंट है। तो कंपनी की तरफ से ही एक अच्छा खासा फेसलिफ्ट 2024 जो है वो कंपनी बताने लग रही है। तो वो तो देखिए इस वीडियो में आपको पता चलेगा डिकोड करने के बाद कि गाड़ी में कितना दम है कितना नहीं है। तो आइए बड़ा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग स्टेयरिंग से स्टार्ट करें, देखो आप इंटीरियर देख सकते हो, कुछ खास ज़्यादा बदलाव कर ही नहीं गए हैं इसमें। बस देखा जाए यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ कलर चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एंड गाइस इस इमेज की वजह से आपको लग रहा होगा कि सिल्वर कलर का काम जो है वो करा गया है। नहीं, सिल्वर नहीं है, वो ब्लैक कलर की ऐसी कुछ शेड आ रही है कि वो आपको सिल्वर टाइप मिल रहा होगा। तो आपको ओल्ड ही जो है इसमें स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलने वाला है, उसमें कुछ माउंटेड कंट्रोल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ मीटर की बात करें तो मीटर भी जो है आप लोगों को पुराना ही देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको किसी टाइप का चेंज जो है वो यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। बात करें साइड पैनल की तो साइड पैनल पे आपको और कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ऊपर अगर हम बात करें तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा मतलब ब्लैक कलर में ही है, बट सिल्वर टाइप ट्रीटमेंट जो है हैंडल्स में देखने को मिल जाएगा। बीच की बात करें तो एसी के जो अपने कंट्रोल्स थे वो एज इट इज़ पुराने वाले रखे गए हैं। स्क्रीन जो है उसको भी वैसा का वैसा ही रखा गया है। ऊपर अगर जहाँ से एसी की हवा निकलती है यानी कि एसी वेंट्स जो है वो भी कुछ पुराने डिज़ाइन में हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो देखिए ये गाड़ी जो है इंटीरियर से हम एक्सपेक्टेशंस करी थी कि इसमें काफी सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो शायद से इस गाड़ी को अलग बना दे, बट यहां पे थोड़ा सा निसान ने निराश करा है कि मैगनाइट उनकी वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग गाड़ियों में से थी एंड उन्होंने बस थोड़े भर कलर चेंजेस करके इस गाड़ी को दे दिया। हालांकि कंपनी टीज करती है बहुत सारे फीचर्स, वो हम छोड़ते हैं। अब अगली बात करते हैं हम लोग यहां से, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको दिखने लग रहा होगा। स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो आप लोगों को गियर के आगे ही देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ सीट का जो डिजाइन है उसको भी हल्का सा चेंज करके थोड़ा सा टेक्सचर जो है उसके अलग करे हैं। बाकी ऑरेंज कलर का इंटीरियर जो है वो अब की बार हमको दिखने लग रहा है यहाँ से कि इस गाड़ी में हमें ऑरेंज कलर का यानी कि जो अपना फेसलिफ्ट वाला टॉप एंड वेरिएंट जाएगा उसमें आप लोगों को ऑरेंज कलर का इंटीरियर मिलेगा। जो बेस एंड मॉडल्स होंगे उसमें आपको सेम वही ब्लैक कलर का काम देखने मिलने वाला है। हालांकि एक चीज़ पर अगर हम गौर करें, फिट एंड फिनिश जो है वो थोड़ी सी सुधार दी गई है, यानी कि ये है कि चलिए अब पैनल गैप्स जो पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे वो सारी चीज़ें अब इसमें नहीं देखने को मिलने वाली हैं। तो ठीक है, अपग्रेड जो है वो है एंड क्रेडिट्स जहाँ डिजर्व होते हैं वहां पे हम लोग देने लग रहे हैं। बाकी ये हैं गाड़ी के इंटीरियर आप लोगों के फेसलिफ्ट 2024 निसान मैगनाइट। अब चलते हैं इसके एक्सटीरियर पे, तो एक्सटीरियर पे बहुत सारी इमेजेस हैं हमारे पास जो हम लोगों ने देखी हैं। खैर गाइस ये टीजर का ही हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट जो है वो निकाला था एंड यहां पे हम लोगों को एक चीज जो है वो समझ में आ जाती है कि फ्रंट से बात देखिए गाड़ी में, अगेन मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि एक्सटीरियर में भी आपको कोई खास ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखिएगा मत, क्योंकि गाड़ी का जो एक्सटीरियर वो पुराने जैसा है। हालांकि चेंजेस में हम बता देते हैं यहां पे आपको, 3-4 टीजर जो है वो इकट्ठे करने के बाद इसके जो चेंजेस हैं वो समझ में आए। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ग्रिल जो है अब की बार हल्की सी बड़ी कर दी गई है एंड हेडलैम्प्स की तरफ वो स्लांट होके यानी कि हेडलैम्प से ही ग्रिल जो है वो उतरने लग रही है। शायद इसमें आपको ये चीज अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी, तो हम लोग दूसरे टीजर को थोड़ा सा इमेज प्रोसेस कर देते हैं। तो यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, ये है निसान मैगनाइट फेसलिफ्ट 2024 के एक्सटीरियर के लुक्स। अच्छा यहाँ पे ना आप लोग सोच रहे हो सनरूफ आने वाली, नहीं सनरूफ नहीं है ऊपर, और इसी के साथ साथ फ्रंट में आप गौर कर रहे होंगे तो हेडलैम्प्स है, हेडलैम्प्स के नीचे से ग्रिल स्टार्ट हो जाती है एंड सेम ऐसी ही कुछ निसान मैगनाइट फेसलिफ्ट 2024 जो है हम लोगों ने ग्लोबल एनकैप में टेस्ट होती हुई देखी थी। तो ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि भाई अब की बार फ्रंट में सिर्फ गाड़ी की जो ग्रिल्स हैं उसको चेंज कराया है। हेडलैम्प्स की बात करें तो हेडलैम्प्स मुझे बहुत हद तक पुराने जैसे ही देखने को लग रहे हैं। हालांकि थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मे बी हेडलैम्प्स में भी चेंज करती हो ताकि उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाए, उसके अलावा हमें कुछ फ्रंट में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते नहीं है। देखिए फेसलिफ्ट बनाया था तो मेरे हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर देने चाहिए थे, बट एक ग्रिल को चेंज करके आप उसको फेसलिफ्ट नहीं बोल सकते। इसी के साथ साथ जो पुराने कस्टमर्स थे उन लोगों के लिए भी बधाई तो ये है कि आप लोग भी अपनी गाड़ी का बम्पर चेंज करा के, यानी कि पुराने वाली निसान मैगनाइट जो आती थी उसका बम्पर चेंज करा के आप लोग भी अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट बनवा सकते हैं। तो चलिए जो अच्छी चीज़ है वो तो है ही यहाँ पे। अच्छा इसमें भी शायद आपको अगर समझ में ना आई हो तो हम अगली इमेज दिखा देते हैं आपको, वहाँ से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं जो चीज़ मैं आपको बताने लग रहा था कि हेडलैम्प्स जो है, हेडलैम्प्स के नीचे से अब की बार जो ग्रिल का डिजाइन है या फिर ग्रिल का जो प्लास्टिक पार्ट है वो
स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ DRL जो है आप लोगों को उल्टे L या फिर J शेप के ही देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि अपने पुराने वाली निसान मैग्नाइट में भी आते थे। कंपनी कहती है हम लोग 20+ बेस्ट इन सेगमेंट फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स दे रहे हैं, तो चलिए अच्छी बात है, धीरे धीरे पता चलता रहेगा। अभी कुछ ऐसा खास हमारे सामने आया नहीं है कि 20+ इसमें बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिले। और इस सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में टाटा पंच जो है वो ऑलरेडी अच्छे करने लग रही है एंड उसका एक जबरदस्त फेसलिफ्ट जो है वो ऑन दी वे हमारे पास आने वाला है। हालांकि आप लोग ब्रेजा वगैरह जैसी गाड़ियों से कंपेयर नहीं कर सकते, पर चलिए फिर भी कंपनी कहती है कि ये सेगमेंट उन्हीं का ही है, तो चलिए छोड़ते हैं। यहां से आप चेकआउट कर सकते हो ग्रिल का डिजाइन जो आपको और समझ में आ गया होगा। बेसिकली बात करी जाए तो गाड़ी के जो कटआउट्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है एंड हल्की हल्की चीज़ें जो है फ्रंट से चेंज कर दी हैं, जिसकी वजह से एक बम्पर में आप लोगों को कॉस्मेटिक चेंज देखने को मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे फॉग लैंप वगैरह हेडलैम्प वगैरह सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी निशान ने काफ़ी करी कि उन लोगों ने जो फॉग लैंप है उसको एलिमिनेट नहीं करा, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है मेरे हिसाब से अच्छी बन जाती है उन लोगों के लिए जो नाइट ड्राइविंग वगैरह करते हैं। निशान के लोगों के नीचे आप लोगों को 3D कैमरा देखने को मिल जाता है, हालांकि ये एडास का ही मॉड्यूल है या नहीं ये अभी तक कन्फर्म नहीं है, बट फ्रंट में आप लोगों को 360 कैमरा तो 100% मिल जाता है, ये चीज़ हम लोगों के सामने आ जाती है। इसी के साथ साथ गाइस बात करें तो आप लोगों को जो ग्रिल है वो पुराने टाइप की ही मिलेगी, ग्रिल में कोई चेंजेस नहीं है, ग्रिल के डिज़ाइन में एटलीस्ट चेंजेस कर देते तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसी पुरानी ग्रिल दिखती थी वैसी ही आप लोगों को ग्रिल देखने को मिलेगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, ग्रिल बड़ी कर दी गई है, ये चेंज सिर्फ आपको मिलेगा। ग्रिल का पैटर्न में आप लोगों को किसी भी टाइप का जो चेंज है वो देखने को मिलेगा। कंपनी और भी कुछ चीज़ें टीज करती हैं तो उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। बाकी गाड़ी जो है बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, 5 अक्टूबर से इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये चीज भी ठीक है कि कंपनी थोड़ा बहुत भी गैप नहीं दे रही। यहां पे देख सकते हो उसमें व्हाइट कलर का इंटीरियर टीज करा है, बट मुझे ये समझ में नहीं आया। 55+ एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स कंपनी बोलती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील जो है इसमें यूज करा गया है। अच्छा, इसमें ना विद VDC बहुत इन लोगों ने टीज करा है, तो VDC का अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज बताऊं, ट्रैक्शन कंट्रोल जो होता है कंपनी उसको VDC बोलती है। 6 एयरबैग जो है इसमें स्टैंडर्ड रखे जाएंगे, टॉप एंड मॉडल जोन में थोड़े से ज्यादा आप लोगों को एयरबैग्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस देखिए, ये थी आज की निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट के जितने सारे लुक्स हैं हम लोगों को आपको बताने थे, दिखाने थे। बाकी और भी कुछ अपडेट्स आते रहेंगे, बताते रहेंगे। हाँ, कंपनी ये चीज भी बताती है कि इनके अंदर जो है ना एक AQI लगाई है, AQI मतलब बेसिकली बोला जाए तो फिल्टर लगाया है बेसिकली, जो 400 AQI को 30 AQI में लेगा 20 मिनट्स के अंदर, तो एयर फिल्टर जो है या फिर एयर प्यूरीफायर जो है आप लोग गाड़ी में देखने को मिल जाता है। ये थे गाइस आज की निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट 2024 के। तो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा, हमने आपको दिखाई निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट 2024 के एक्सक्लूसिव लुक्स, एक्सक्लूसिव इंटीरियर फीचर्स भी सारे के सारे डिकोड हमने कर ही दिए हैं सारे के सारे। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो हो पसंद आई हो, समझ आई हो कौन से शहर से इस वीडियो को देखा गया था आपकी तरफ से, वो भी लिख के बताएगा। बाकी और भी ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। देखिए, मेरे से पूछा जाए तो निसान थोड़ा सा और अपग्रेड कर सकती थी, क्योंकि निसान के पास मैग्नाइट ही मेरे हिसाब से ऐसी गाड़ी थी जो इन लोगों की नैया मतलब बचा रही थी। एक्सट्रेल भी आई थी, वो भी इतनी कुछ खास कर नहीं पाई, तो निसान को थोड़े से और चेंजेस करने चाहिए थे। हालांकि अभी भी गाड़ी अच्छी तरीके से बिकेगी, क्योंकि चलिए बहुत जिस प्राइस में गाड़ी लॉन्च होती है उसमें शायद दूसरी कंपनीज ना दे पाए, बट फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी हमें निसान से। तो चलिए जो भी है, एक बार गाड़ी आ जाती है सामने उसके बाद चेकआउट करेंगे इसके कैसे लुक्स हैं। आज तो हमने सिर्फ और सिर्फ टीजर्स के बेस पे इसको डिकोड करा है, क्या पता जब गाड़ी लॉन्च हो जाए तो उसके बाद और भी कुछ अच्छे फीचर्स जो हैं वो हमें सिर्फ देखने मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बजाएगा। मिलेंगे हम लोग आपसे ऐसी और ज़बरदस्त वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।